मैं महक शर्मा बोल रही हूँ, आप कौन? मैडम मैं शौर्य सर का ड्राइवर। शौर्य सर कहाँ है? मैडम वो शौर्य सर का एक्सीडेंट हो गया। काम खत्म बेचारे का। शौर्य मैम नहीं रुके, आगे नहीं जा सकते आप। नहीं मुझे जाने दो, प्लीज जाने दीजिए। आप आगे नहीं जा सकती। नहीं प्लीज मुझे शौर्य के पास जाना है। आगे नहीं जा सकती आप। मुझे शौर्य से मिलना है। आप आगे नहीं जा सकते। क्या लगती हैं आप शौर्य की? कल रात से ना मैं सांसें कम और हिचकियां ज्यादा ले रहा हूं। आई एम फेड अप नाउ, मुझे याद करना बंद करो। मिस्टर खन्ना, बाय द वे फॉर योर काइंड नॉलेज ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा नया नया जॉब अभी स्टार्ट हुआ है और मेरा पूरा फोकस सिर्फ उसी में है। यू अंडरस्टैंड? ओह आई सी। कोई झूठ भी इतनी आसानी से बोलने लगा है। तुम्हारे स्टाफ वाले तुम्हें याद कर रहे होंगे, खड़ूस खड़ूस बोल रहे होंगे, इसलिए तुम्हें हिचकियां आ रही है। हो गया, चलो फंस लो। देखो जी, इस बार मैंने ठोक बजा के अच्छी तरह पता कर लिया है। ये चारों लड़के जो है ना, इनके खानदान से लेके जॉब तक सब परफेक्ट। एक बार फिर से पता कर ले कान, पहले हमारी बच्ची इतना सब कुछ झेल चुकी, इसके बाद फिर ये। तुम सुन तो लो, एक बार देखो तो सही। देखो ये लड़का, देखो ये पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर, और इस लड़के का खुद का बिजनेस है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का। अच्छा। ये वाला जो है ये तो लंदन में ही सेटल होने की सोच रहा है। अच्छा ये देखो, ये जो है मुझे सबसे ज्यादा पसंद। मेरा हाथ कोई और पकड़ के ले जाएगा। What? हाँ, कांता चाची ने चार चार रिश्ते देखे मेरे लिए, किसी ना किसी से मेरी शादी करवा ही देंगे। फिर मेरे पास ना हाँ करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। वाओ, बहुत डिमांड में हो तुम महक शर्मा। स्वयंवर रचाया जा रहा है तुम्हारा, क्या बात है? क्या? तुम्हें ये सब जोक लग रहा है? मेरी लाइफ का सवाल है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा? तुम्हें
कुछ करना चाहिए। एक्सक्यूज मी, फैमिली तुम्हारी है और वो तुम्हारी शादी कहीं भी तय करे, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ यार। जो करना है तुमको करना है। कुछ मत करना, मेरी शादी में ना शहनाई बजाने आ जाना, समझे? इडियट, बाइपोलर, कल तो कुछ और राग अलाप रहे थे, 24 घंटे में सारा बुखार उतर गया। आगे से मुझे कभी कॉल मत करना, बाय। वाओ, बहुत डिमांड में हो तुम मेघ शर्मा। स्वयंवर रचाया जा रहा है तुम्हारा, फैमिली तुम्हारी है और वो तुम्हारी शादी कहीं भी तय करे, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ यार। अजीब पागल है, इतना बड़ा तीन केक कटा है, फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बाहर में जाए। कौन बाहर में जाए? मिस महक शर्मा, शौर्य खन्ना। सॉरी सर। या इट्स ओके, बट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन महक शर्मा, क्या आज भी आप शौर्य खन्ना के टच में हैं? जी सर। उसने तो आपको उस शो से आउट कर दिया था ना, और हाँ मैंने सुना कि आपने उसे थप्पड़ भी मारा था। सर वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी और कुछ नहीं। मिसअंडरस्टैंडिंग? दो घंटे में चार चाय पी चुका है ये, लेकिन कुछ बताने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक ही रट लगा रखी है, कुछ बात करनी है, महक आएगी तब करूंगा। तो अच्छा हो गया तू आ गई। चलो बेटा अब बताओ। हाँ भाई बता दे, अब तो बता दे प्लीज, वरना मुझे बेचैनी के मारे खट्टी डकारें आनी शुरू हो जाएंगी। प्लीज बता दे। ये सब क्या है महक? चाची वो मैं। मेरा सवाल महक से है, बोल महक, क्या ये सब तेरी मर्जी से हो रहा है? प्लीज चाची, मैं जानता हूं कि मैं आज तक आप लोगों के दिल में अपनी जगह नहीं बना पाया हूं, पर प्लीज मुझे एक मौका दीजिए, प्लीज। महक से मिलने के बाद मैंने जिंदगी की छोटी से छोटी खुशियों की कीमत जानी, और मैं उसे किसी कीमत पे खोना नहीं चाहता। ताई जी, आपका फोन है। हेलो, क्या हुआ भाभी? पता ना, शौर्य खन्ना की माँ का फोन था। हम लोगों को घर बुलाया है कल। आने दो दिल्ली छे वालों को, उनके 12 नहीं बजा दे, मेरा नाम बदल देना शौर्य खन्ना।